केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवां बजट पेश कर दिया है। उनका एक घंटे 23 मिनट का बजट भाषण सैलरी क्लास के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्कफोर्स में पहली बार काम करने वाले युवाओं को एक महीने की सैलरी दी जाएगी। सैलरी का एक पैसा यानी कि 15,000 रुपए तक 3 किस्तों में ट्रांसफर किया जाएगा। वही पहली नौकरी वाले ये वह युवा जिनकी सैलरी 1,00,000 रुपए से कम होगी उनको स्कीम का फायदा मिलेगा। स्कीम का फायदा करीब 2.1 लाख युवाओं को मिलने की उम्मीद है। चलिए सुनाते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को लेकर क्या कुछ कहा। टू अनाउंस द प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज ऑफ 5 स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग एंड अदर अपॉर्चुनिटीज for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of 2,00,000 crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. वही केंद्रीय वित्त मंत्री ने कार्यबल में महिलाओं का हिस्सा बढ़ाने की भी योजना का जिक्र किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी। बजट 2024 में महिलाओं और बालिकाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लड़कियों और महिलाओं के लिए क्या कुछ कहा। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, वी विल फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स थ्रू सेटिंग अप ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20,00,000 youth will be skilled over a 5-year period. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपए किया है। चलिए सुनाते हैं आपको वित्त मंत्री ने किसानों को लेकर उनके लिए क्या कुछ कहा। This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors.